हेलो एवरीवन, देखिए बिहार स्पेशल की ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी हमारी दो प्लेलिस्ट चल रही है, एक हमारा चल रहा है नेशनल इंडिपेंडेंस का 1857 ऑनवर्ड्स और एक हमारा बिहार स्पेशल। तो ये बिहार स्पेशल की नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक चार पांच वीडियो आ चुकी हैं और ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन महाजनपद जो बिहार में थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वाजी, अंग और मगध के बारे में। और इन टॉपिक से, वाजी, अंग और मगध से भर भर के प्रीलिम्स के फैक्ट्स निकलते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का जो पूरा पीडीएफ है या फिर जो स्क्रीनशॉट है एचडी क्वालिटी में मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हमारे पास तीन महाजनपद थे, एक्चुअली चार स्टेट्स थे जिस समय हमारा बुद्ध भगवान का ऑनसेट नहीं हुआ था, बुद्धिज्म नहीं आया था। तो पूरे बिहार को चार भागों में बांटे थे हम लोग, विदेहा, वैशाली, अंग और मगध। तो उसके बाद हमने देखा था कि कैसे विदेहा को मिला लेता है वाजी, तो पूरा वाजी एक हो जाता है और फिर वाजी, अंग और मगध अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाजी क्या था, अंग क्या था और फिर देखेंगे मगध, ठीक है ना। तो देखिए, जब 6th सेंचुरी BC हमारा मिड 6th सेंचुरी BC था ना, उस वक्त तक पूरे 16 महाजनपद में से मात्र चार महाजनपद थे बचे हुए, वो थे अवंती, कोसाला, वत्स और मगध, ठीक है ना, यही। और मगध बाय द मिड ऑफ द 6th सेंचुरी मगध जो है ना वो वाजी और अंग दोनों को जीत चुका था, ठीक है ना। और फिर जब मगध एम्पायर आता है उसमें अलग अलग रूलर आते हैं, तो जो बाकी तीन जो बच गए ना यहाँ पे, अवंती, वत्स, कोसाला, इनको भी जीत जाते हैं। तो वो हम देखेंगे अभी मगध वाले रीजन में, लेकिन पहले देखते हैं कि वाजी और अंग क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाजी के बारे में। देखिए, वाजी रिपब्लिक, जिस समय अगर हम बात करें बुद्धिज्म का, जिस समय बुद्धिज्म था ना, जब बुद्ध भगवान ये सब थे, तो उस समय तक पूरे 10 रिपब्लिक थे, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है कि 10 रिपब्लिक थे। अब वो 10 रिपब्लिक कौन कौन से थे? शाक्य, मल्लाज, लिच्छवी, विदेहा, भाग्याज, इक्ष्वाकु एंड अदर्स, ये सब वहाँ पे थे रिपब्लिक। लेकिन इन सब में से सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक था ना, सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल, वो था हमारा लिच्छवी और वाजी, याद रखिएगा, लिच्छवी या वाजी। यानी कि आउट ऑफ 10 रिपब्लिक्स लिच्छवी या वाजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ये, ठीक है ना। तो हम इसी वज्जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिहार में था। देखिए इसमें क्या है, अब ये लिच्छवी या वैशाली की अगर हम बात करें तो ये क्या था ना कि ग्रुप ऑफ क्लैन से बना हुआ था। यानी कि लिच्छवी जो वाजी संघ है ना, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फेडरेसी, ये 8 अलग अलग मेंबर से जुड़ के बना था, यानी क्लैन से बना था। क्लैन क्या होता है? क्लैन वो होता है जहाँ ग्रुप ऑफ फैमिली एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनका एक अपना एक पर्टिकुलर कल्चर होता है। तो वैसे अलग अलग 8 मेंबर्स को मिलाकर हमारा वाजी बना था, वाजी संघ बना था। अब वो हमारे 8 अलग अलग क्लैन कौन कौन से हैं? तो उग्र, भोगा, जनात्रिका, कौरवा, लिच्छवीजन, वाजी। अब इन 8 मेंबर में से सबसे जो स्ट्रॉन्ग था ना क्लैन, सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन वो था लिच्छवी और वाजी। इसलिए इसी लिच्छवी और वाजी के नाम पे 8 में से सबसे स्ट्रॉन्ग था ये, तो इसी के नाम पे पड़ गया वाजी कन्फेडरेसी। याद रखिएगा, वाजी कन्फेडरेसी 8 क्लैंस को मिलाकर बना है, लेकिन चूंकि इसका नाम लिच्छवी या वाजी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो क्लैन था सबसे पावरफुल था, और जो पावरफुल होता है उसी के नाम पे रीजन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो जो इंडियन ओशन है ना वो मेनली इंडिया के नाम पे रखा गया है। छोटे मोटे और भी देश है लेकिन पावरफुल कौन है? इंडिया है। तो ये हमारा हो गया वाजी के बारे में थोड़ा सा इसमें चीज़ ब्रीफ। इसमें देखिए 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। इसमें जो रिपब्लिक मैंने बताया ना, 10 रिपब्लिक में से सबसे स्ट्रॉन्ग था वाजी, तो रिपब्लिक में से एक था शाक्य रिपब्लिक। इसी रिपब्लिक से हमारे बुद्ध भगवान बिलोंग करते थे, जो कपिलवस्तु नेपाल में है, ठीक है, ये उस रिपब्लिक की बात हो गया। अब वैसे ही रिपब्लिक वज्जी है और वज्जी के अंदर 8 क्लैंस थे हमारे। अब उसमें से इन 8 में से एक क्लैन था जनात्रिका क्लैन। ये जनात्रिका क्लैन से ही लॉर्ड महावीर बिलोंग करते थे। लॉर्ड महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर हैं, और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, इनके गुरु थे वो। और पहले कौन थे? ऋषभदेवा या आदिनाथ, जैन धर्म के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाजी के बारे में इंट्रोडक्शन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपको कि 10 रिपब्लिक में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? वाजी। और वाजी खुद किससे बना था? 8 क्लैन से बना था, ठीक है। 8 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? लिच्छवी और वाजी। इसलिए इसी के नाम पे पूरे क्लैन को, पूरे कॉन्फेडरेसी को वाजी या लिच्छवी हम क्लैन कहते हैं, ये कॉन्फेडरेसी कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये तो हम हो गया, लेकिन ये वाजी प्रेजेंट डे किस लोकेशन पे बिहार में है, किस लोकेशन पे है ये? तो अगर हम बात करें वाजी की, तो वाजी प्रेजेंट डे लोकेशन में ये वाला पोर्शन है। देखिए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
सीतामढ़ी, शिवहर, वेस्ट चंपारण, चंपारण। एक्चुअली ये रीजन तिरहुत का जो है ना, ये विदेहा का था। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विदेहा ऑलरेडी बाजी में मिल चुका था, इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा हो गया हमारा बाजी संघ। और ये बाजी संघ एक्चुअली कहाँ है, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सब इलाका में है। क्लियर है। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ये क्या था, कॉन्फेडरेसी था, एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक में क्या होता है कि किसी एक डायनेस्टी या किसी एक परिवार का चलती नहीं चलता है, उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं, यानी कि इसका इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था। इन वाजी का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था। तो उस गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, उन गवर्नमेंट को बोलते थे यहाँ पे संघ या गना। इस वाजी रिपब्लिक का जो अपना गवर्नमेंट था ना, उसको बोलते थे संघ या गना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है संघ या गना। अब इसमें से जो इनके मेंबर्स थे ना, अब गवर्नमेंट होंगे तो गवर्नमेंट किस चीज़ से बनता है, उसके एक मेंबर होते हैं और एक जगह होता है जहां मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। तो जो मेंबर्स थे उनको बोलते थे राजा, और जहां पे असेंबली हॉल जहां पे वो इकट्ठा होते थे उसको बोलते थे संताग्रह। ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया वाजी संघ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूरा हमारा हो गया वाजी संघ, या लिच्छवी और वैशाली, या वाजी और वैशाली कहते हैं, ये रीजन हमारा तिरहुत रीजन जो होता है। ठीक है। अब इसी को हम देखेंगे कि वाजी को जो है ना, वाजी संघ को आगे जब मगध एम्पायर में हमारा अलग अलग डायनेस्टी आएंगे ना, तो अजात शत्रु इसको पूरा अपने में मिला लेता है। क्लियर है। और प्रेजेंट डे लोकेशन हमारा ये हो गया। तो ये हो गया ब्रीफ वैशाली के बारे में। इसमें प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कौन कौन सा, टोटल 10 रिपब्लिक थे बुद्ध के समय में अलग अलग, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग था लिच्छवी, और लिच्छवी खुद अलग अलग 8 क्लैन से बना हुआ था। उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लैन कौन था, लिच्छवी और वाजी, और इसमें एक और क्लैन था जिनाद्री का, जिस क्लैन से बिलोंग करते थे लॉर्ड महावीरा। प्रेजेंट लोकेशन इसका ये है, और इसमें जो इनकी गवर्नमेंट थी उनको बोलते थे संघ या गना, और उस संघ या गवर्नमेंट में जो मेंबर्स थे उनको बोलते थे राजा, और जिस जगह पे होता था उसको बोलते थे संतागारा। तो ये हो गया बाजी के बारे में। अब हम देखते हैं अंग के बारे में। अंग कौन सा रीजन है, तो अंग भी हमारा एक महाजनपद था जो बिहार के हिस्से में पाया गया था, लोअर गंगेटिक प्लेन में, यानी कि गंगा के साउथ में। ये अगर बात करें हम, तो ये हमारा हो गया मुंगेर, और ये हो गया भागलपुर। तो इस रीजन को बोलते हैं हम अंग प्रदेश। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसको मगध वंश में जो बिंबिसार हैं वो इसको अपने अंदर अनेक्स कर लेते हैं, इन्वेड करके। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम, अंग के बारे में देखते हैं। देखिए, अंग प्रदेश का सबसे पहला सोर्स हमें जो पता चलता है वो है अथर्ववेद, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में अथर्ववेद में चलता है पता। फिर है कि इसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है, मुंगेर और भागलपुर। ये है आपका मुंगेर और ये है भागलपुर बिहार का। इसे सटा हुआ क्या है, झारखंड है, यहाँ कटिहार, तो ये बंगाल से जुड़ा हुआ। तो ये हमारा मुंगेर और भागलपुर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसका कैपिटल क्या था। तो देखिए, इसका पहला कैपिटल था मालिनी, यानी कि इसी रीजन को हम बोलते हैं मालिनी। ठीक है ना, लेकिन इस मालिनी का नाम बदल गया चंपावती में आगे, और उसको फिर बोलने लगा चंपा। तो अंग की राजधानी कहाँ था, चंपा। वाजी की राजधानी कहाँ था, वैशाली। ये हो गया वैशाली, वाजी की राजधानी। ठीक है। इसके जो पहले लीडर थे ना, अब चाहे इसमें एक चीज़ और आता है कि जो अंग प्रदेश है, क्या कोई और किसी ग्रंथ में इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या, तो हाँ, जो फॉरेन ट्रेवलर थी ना ह्यवेनसांग के मुताबिक अंग प्रदेश को बोलते थे चेनपो। याद रखिएगा, चेनपो पूछा नहीं है, पूछ सकता है एग्जाम में चेनपो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि इस अंग प्रदेश का पहला रूलर कौन था। पहला रूलर वो था आपको तितुक्षु, पहला रूलर थे इसके। और इस अंग प्रदेश का, यानी अंग डायनेस्टी का या अंग महाजनपद का लास्ट थे रूलर कौन, कर्ण। महाभारत में थे ना कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, उनका वो इस अंग प्रदेश का, अंग डायनेस्टी, अंग रिपब्लिक का, अंग महाजनपद का लास्ट थे रूलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें एक चीज़ और आता है कि एक फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है इस अंग महाजनपद से, वो थी चंदना। अंग प्रदेश में जैसे हम बात करें तो उसमें बहुत सारे रूलर्स आए, जो लास्ट थर्ड थे ना, दादी वाहना, लास्ट थर्ड रूलर की जो बेटी थी ना वो थी चंदना। अब जब लॉर्ड महावीरा जब कैवाल्य की प्राप्ति करते हैं ना, कैवाल्य, अब कैवाल्य क्या होता है वो जैनिज्म में पढ़ेंगे आगे। तो कैवाल्य की जब प्राप्ति हुई लॉर्ड महावीरा को, तो उसके बाद सबसे पहली फीमेल जो जैनिज्म को एक्सेप्ट की थी वो थी हमारी चंदना। याद रखिएगा, क्लियर है ये चीज़। अब एक चीज़ और, तो अभी जो है ना, इसके बाद हम मगध को देखेंगे। तो मगध जो है ना, अब वाजी को और अंग को, वाजी को और अंग को अपने अंदर मिला लेगा,
और पूरा का पूरा बिहार में छा जाएगा। और इसके बाद जो बिहार के बाहर जो जो महाजनपद बच गए थे ना, तीन और इम्पॉर्टेंट, 16 में से बाकी तो खत्म हो गए थे, चार ही बचे थे, तो इनको तो जीत चुका है। अब जो बिहार के बाहर जो तीन स्ट्रॉन्ग थे ना, उनको जीतेगा। वो तीन तीन कौन कौन थे देखिए, एक हमारा हो गया अवंती, यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो गया, इसका कैपिटल क्या था, उज्जैन, इसको वो कब्जा करेंगे, मगध के रूलर रहेंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा वत्सा, वत्स जो है वो कहाँ पे है, अलाहाबाद, अलाहाबाद के रीजन को बोलते थे वत्सा। ये अलाहाबाद क्या होगा, अलाहाबाद हमारा, अलाहाबाद के रीजन को वत्स बोलेंगे, और इसका कैपिटल था कौसाम्बी, कहाँ था, कौसाम्बी, इसको भी जीतेगा हमारा मगध का जो रूलर रहेंगे वो इसको भी अनेक्स कर लेगा। फिर हमारा यहीं पे आता है कोसाला, कोसाला कहते हैं ईस्टर्न यूपी को, ठीक है ना, ईस्टर्न यूपी में काशी है ना, वाराणसी, उसको, अब इसकी जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती, तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे मगध रूलर कभी मेट्रोपॉलिटन अलायंस करके कभी अनेक्स करके मिलाते हैं। तो फाइनली इन तीनों को भी मगध जो है अपने अंदर मिला लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मगध पूरा एक पूरे हिंदुस्तान में कब्जे ये रूल करते हैं एक्सेप्ट द साउदर्न पार्ट, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं मगध के बारे में, चलिए अब शुरू करते हैं मगध के बारे में। अभी हमने क्या देखा है, कैसे वाजी और अंग के बारे में देखा है कि वो क्या थे, प्रीलिम्स फैक्ट्स हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे मगध एम्पायर की। देखिए मगध में कुल चार एम्पायर आते हैं, बृहद्रथ, हरियाणका, शिशुनाग और नंद। अब इन चारों ये जो डायनेस्टी में अलग अलग इसमें रूलर आएंगे, उन रूलर का काम क्या होगा, मगध जो है ना देखिए अभी इस रीजन में है यहाँ पे, ठीक है। अब सारे रूलर का एक काम होगा कि इस मगध राज्य को, इस मगध साम्राज्य को, एम्पायर को, डायनेस्टी को पूरा बड़ा करते जाएंगे ये एक के बाद एक। और बड़ा करने के लिए करना क्या होगा, अपने आसपास के महाजनपद को ये जीतते जाएंगे, जैसे अंग को जीतेंगे, फिर यहाँ पे जीतेंगे वैशाली को, उसके बाद कुशाला को, फिर अवंती को, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है, और इसमें मगध में ना भर भर के प्रीलिम्स के फैक्ट्स बनते हैं, क्वेश्चंस भर भर के, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। इसका मैं सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, ये इसमें ये भी कंबाइन है, प्लस एक इंडिविजुअल वीडियो रहेगा मगध का। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आती है बात बृहद्रथ डायनेस्टी का। तो इसका फाउंडर कौन थे, बृहद्रथ, और इनका जो इनिशियल कैपिटल था वो था ग्रीवराजा या राजगीरा, और इसे हम कहते थे वासुमती। बस इतना ही याद रखना है कि मगध डायनेस्टी का सबसे पहला जो एम्पायर डायनेस्टी था वो कौन था, वो था हमारा बृहद्रथ। इसके बाद आता है हरियाणा का डायनेस्टी, ये द मोस्ट डायनेस्टी हमारा। इस हरियाणा का डायनेस्टी में तीन रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, और तीसरा है उदयीन। तो हम इन तीनों के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे इन तीनों ने मगध को बड़ा किया है, ठीक है ना, अनेक्स करके कहीं कुछ करके, इनके स्टाइल क्या था, कैसे ये राज्यों को अपने अंदर मिलाते थे। पहले देखते हैं बिंबिसार को। तो बिंबिसार को हम कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ मगध। बृहद्रथ थे वो फाउंड किया था, लेकिन रियल फाउंडर हम बोलते हैं बिंबिसार को, क्योंकि इन्होंने मगध को काफ़ी एक्सपैंड किया था, ठीक है। तो देखिए इसी बिंबिसार को जो है ना हमें अलग नाम से मिलता है कि इनको कुछ और नाम से पुकारा जाता था, वो हमें मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, वो था श्रेणिया या फिर श्रेणिका, श्रेणिया या श्रेणिका, ये था हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। अब ये होने के बाद अब ये आता है कि आखिर इन्होंने मगध को बड़ा कैसे किया, है ना। तो यहीं पर आता है कि टेक्निक यूज टू एक्सपैंड मगध एम्पायर, इनका क्या था कि सरदार पटेल और बिंबिसार, अगर दोनों को हम अगर पैडरी कंपेयर करके देखें ना, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सरदार पटेल का भी वही टेक्निक था जो बिंबिसार का है, ठीक है ना। तो वो टेक्निक क्या था, तो बिंबिसार का ये था कि जो महाजनपद अगर बात से मान रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं मान रहे हैं तो उनको जीत लो, उन पर वार करो, और दूसरा जो उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनसे लड़ने पर हारने का डर है तो उनसे वो अलायंस कर देते। तो याद रखिएगा बिंबिसार का दो टेक्निक था, एक तो था उनका कंक्वेस्ट और एक था अलायंस, ठीक है। तो अब उसमें क्या किया इन्होंने कि इस कंक्वेस्ट के तहत, इन्वेजन के तहत उन्होंने इस अंग प्रदेश को, इस अंग जो महाजनपद था ना, इस अंग को मिला लिया महाजन ये मगध में। तो मगध अब इतना बड़ा हो गया। अब इसके बाद कौन सा महाजनपद बसता है, अब बसता है आपका वैशाली का। बिहार के अंदर तो दो ही है ना मगध के अलावा, अंग हो गया, वैशाली हो गए, अंग को उन्होंने जीत लिया, अब कौन बचा, वैशाली। अब वैशाली पावरफुल है, लड़ेंगे तो हारने का डर है, तो क्या किया इन्होंने यहाँ पे कर लिया अलायंस। अलायंस किया, कैसे किया, तो यहाँ पे लिच्छवी, ये जो है ना लिच्छवी अबाजी वैशाली के, ये क्या थे, रिपब्लिक थे, मोनार्क नहीं थे, रिपब्लिक थे, इसलिए यहाँ पे किंग नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे चीफ थे। यहाँ पे ये वाजी या लिच्छवी के चीफ थे चेतका, और उनकी बेटी थी चेलना। तो चेलना से शादी किया किसने, बिंबिसार ने,
तो जैसे ही शादी किया तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने मगध को बचा लिया इस वाजी से कि वाजी फिर अटैक ना करे। क्लियर है? इसके बाद ये तो हमारी इनकी दूसरी शादी, लेकिन इसके पहली शादी कहाँ किया था उन्होंने, तो यहाँ पे है कोसाला, बिहार के बाहर है कोसाला, ये ईस्टर्न यूपी में है। यहाँ देखो ईस्टर्न यूपी है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में है। अब यहाँ के थे राजा प्रसन्नजीत और इनकी थी बहन कोसाला देवी, तो बिम्बी साहब ने कोसाला देवी से भी शादी कर लिया, तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस किससे बन गया, कोसाला से भी बन गया। तो बदले में इसी प्रसन्नजीत ने बिम्बिसार को काशी यानी कि वाराणसी दिया गिफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से बिम्बी साहब ने मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत वाजी को मिलाया अपने अंदर और कोसाला को मिलाया अपने अंदर, तो मगध का राज कितना इतना दूर तक पहुंचा दिया यहां तक। तो ये पूछता है कि बिम्बी साहब ने इन्वेजन के तहत किसको मिलाया, तो अंग को मिलाया, अंग प्रदेश को मिलाया। मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत किसको मिलाया, तो वो वाजी को और कोसाला को मिलाया। ये तो हो गया हमारा कैसे उनका टेक्निक था। इसके बाद हम देखेंगे ना अजातशत्रु, जब हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसी मैट्रिमोनियल अलायंस को रद्द करते हुए तोड़ते हुए ये उन पर वार कर देता है, वो बाद में देखते हैं। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बिम्बी सार के बारे में, कि इनका एक फ्रेंड था जीवा, इनका ये कंटेम्प्रोरी थे बुद्ध भगवान के भी और महावीरा के भी। अब एक चीज़ और मिस कर गया, देखिए इन्होंने, हमने क्या बताया कि बिहार के बाहर हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे, कोसाला, वत्स, कोसाला हो गया, यहाँ पे वत्स हो गया, यहाँ पे अवंती हो गया, तो कोसाला और लिच्छवी, कोसाला यहाँ पे हो गया और ये वाजी हो गया, इन दोनों के साथ मिलाकर क्या किया इन्होंने, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया। और अवंती के एक राजा थे वहाँ पे प्रद्योता, ठीक है ना, और भी वहाँ पे राजा थे, तो उस समय इनको जॉन्डिस हुआ वहाँ अवंती के राजा का। तो बिम्बी साहब ने अपने कोर्ट, अपने उनके कोर्ट में थे फिजिशियन यानी कि ऋषि ये कहते हैं ना डॉक्टर की तरह, वो थे जीवाका, तो उन्होंने जीवाका को भेजा यहाँ पे अवंती में, तो इससे फ्रेंडली रिलेशन बनाया अवंती से। और अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है और द मोस्ट पावरफुल था, क्यों था वो हम लास्ट में देखेंगे कि काउजेज क्यों आखिर मगध सबसे ज़्यादा इमर्जिंग हुआ, सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो ये हमारा हुआ, तो ये हमारा बिम्बिसार का हुआ कि कैसे बिम्बिसार ने इन्वेजन किया और मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत मगध को बड़ा किया, ठीक है। इसके बाद आता है कि कहीं ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें ये भी मिलता है कि बिम्बी साहब ने बुद्ध भगवान को वेणुवन दिया था गिफ्ट में, वेणुवन कहते हैं बैम्बू गार्डन को जो कि राजगृह में था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारा बिम्बी सार के बारे में। क्विकली फिर से रिवाइज करते हैं, बिम्बी सार इनका नाम रियल फाउंडर था ये, इनका कुछ और नाम क्या था, सैनिका या सैनिका, कहाँ मिलता है प्रमाण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। इन्होंने कंक्वेस्ट करके और अलायंस करके मगध को बड़ा किया और इनके कोर्ट पोएट थे कौन, जीवाका। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद वेन्यू वन इन्होंने गिफ्ट में दिया था ये गौतम बुद्ध को। ये हो गया बिम्बिसार की बात। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की बात। तो बिम्बिसार के थे बेटा कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु में क्या हुआ कि अजातशत्रु जो है अपने फादर की एग्रेसिव पॉलिसी को आगे बढ़ाते गए, जो पॉलिसी बिम्बिसार का था ना एग्रेशन, वो इनका भी वो ये भी फॉलो करते रहे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब बिम्बिसार का डेथ हो गया, तो बिम्बिसार के डेथ होने के बाद जो कोसाला देवी, जो यहाँ के थे ना राजा प्रसन्नजीत, जो उनकी बहन कोसाला देवी के साथ शादी किए थे बिम्बिसार, तो डौरी में मिला था काशी वाराणसी। तो जैसे ही बिम्बिसार जो है ना वो उनका डेथ हो गया, तो काशी विलेज पे प्रसन्नजीत फिर से कैप्चर कर लिया, यानी कि उसको अपने कब्जा लिया। तो अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत का वार कर दिया, और वार करने के बाद इस कोसाला को अपने अंदर मिला लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या किया कि ये होने के बाद उन्होंने फिर लिच्छवी और वैशाली, यहाँ था ना ये वाला जो यहाँ की चेलाना से शादी किया था बिम्बिसार ने, तो फिर यहाँ भी जब ये कुछ कमज़ोर हुए तो अजातशत्रु ने यहाँ भी अटैक कर दिया और मिला लिया। तो यहाँ पे पूछता है कि इसके फादर ने लिच्छवी और कोसाला दोनों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया था और बेटा आया तो दोनों को तहस नहस करके वार करके जीत लिया। तो याद रखिए सेम चीज़, सेम रीजन को फादर ने अलायंस करके अपने मिलाया था और बेटा ने सेम रीजन को वार करके मिलाया था। क्लियर है? इसके बाद ये भी जो है ना इसमें कहा जाता है कि अजातशत्रु पहले जैनिज्म को फॉलो किया था और बाद में बुद्धिज्म को फॉलो किया था, और ये भी कंटेम्पोरी था बुद्ध भगवान का और किनका, महावीर का, महावीर जी का। उसके बाद आता है कि यहाँ पे इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किया था। जैसे ही बुद्ध भगवान का डेथ हुआ था उसके कुछ दिन के बाद इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ किया था, सप्तपर्णी केव राजगृह में, राजगृह यहाँ जो है ना राजगृह मगध, यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किया था सप्तपर्णी केव में। तो ये हो गया ब्रीफ हमारा किसके बारे में,
ये अजात शत्रु के बारे में। अब ये आता है कि कहीं कहीं मेंशन है हमारे कि अजात शत्रु बुद्ध भगवान से मिला था, वो कहाँ में चलता है पता? तो एक बरहुत इंस्क्रिप्शन है, बरहुत इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे? एमपी में। एक उसमें हमें प्रमाण मिलता है कि अजात शत्रु बुद्ध भगवान से मिला था, और इसमें स्क्रिप्ट कौन सा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमें है, वहाँ जो बरहुत इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये हमारा बिंबिसार का हो गया और ये हमारा अजात शत्रु का हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी यहाँ तक हमने क्या देखा कि मगध जो सिर्फ इस रीजन में था, उसने उसने अंग को मिला लिया, तो अब मगध इतना बड़ा हो गया। फिर अजातशत्रु ने इसको भी मिला लिया, लिच्छवी वैशाली को, और लिच्छवी वैशाली फिर यहाँ तक था, ऐसे बड़ा हुआ, तो ये पूरा मगध इतना बड़ा हो गया। फिर उसके बाद इसने कोसाला को ही मिला लिया, तो ये भी बिहार, ये जो है ना मगध इतना बड़ा हो गया मगध। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे के जो रूलर आएंगे ना, वो अवंती जो है ना यहाँ पे मध्य प्रदेश में, उज्जैन में यहाँ कैपिटल था, इसको भी कैसे मिलाएंगे। तो फिलहाल अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन में। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था। अब उदयन जो था ना वो ठीक ठाक रूलर था, मैं कह सकते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने ट्रांसफ़र किया कैपिटल को कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र, जो राजगृह था ना, राजगृह से पाटलिपुत्र किया ट्रांसफ़र। तो याद रखिएगा, पूछता है कि राजगृह से कौन से मगध रूलर ने राजगृह से पाटलिपुत्र अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था? तो वो था उदयन, याद है। और इसी पाटलिपुत्र को हम कहते हैं कुसुमपुर, कुसुमपुर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ये हमारा सिर्फ इतना फैक्ट हो गया उदयन के बारे में, सिर्फ इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमारा है कि लास्ट जो हमारा रूलर है ना, लास्ट ये है नागदस का, हरणकर डायनेस्टी का लास्ट रूलर है नागदस का, और इसी नागदस का को ओवरथ्रोन करके फिर आते हैं शिशुनाग। तो हमारा फिर शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडेशन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, फिर आता है हमारा शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है? वही शिशुनाग है, और इन्होंने अवंती को एनेक्स किया था। अभी मैंने बताया ना कि मगध अब इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा। अब कौन सा नेक्स्ट हमारा महाजनपद बसता है? वो बसता है यहाँ पे जो अवंती है, अवंती, ठीक है, ये बसता है। तो अब इसको भी अनेक्स कर लेते हैं। जब इसको अनेक्स करते हैं तो मगध एम्पायर का रीच जो है ना इतना बड़ा हो जाता है पूरा, ये हमारा इतना। तो अब देख रहे हो मगध कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या है अलग अलग रूलर्स का, ये हमारा हो गया। उसके बाद आता है, ये इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने वैशाली में एस्टेब्लिश किया था कैपिटल, यानी कि दो तीन चीज़ें कि मगध एम्पायर का जो सबसे पहला कैपिटल था वो राजगृह था, फिर उसको पाटलिपुत्र किसने किया ट्रांसफर? उदयन ने किया। उसके बाद जब शिशुनाग आया तो इसने अपना कैपिटल कहाँ किया? वैशाली। वैशाली कहाँ था? तो गंगा के इस पार वैशाली है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है कालसोका, शिशुनाग का जो था ना बेटा वो था कालसोका। अब कालसोका जो है ना वो सक्सेसर था शिशुनाग का। अब कालसोका के बारे में मिलता है कि इसके दो नाम थे, अलग अलग टेक्स्ट चलता है पता है, दो नाम थे। पहला है कि इसका नाम था कालसोका, ये मिलता है वहामंसा, दीपावंसा और महावंसा, दो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये कहाँ कहाँ, जब लिटरेरी सोर्सेज हमने बात किया था तो बताया था दीपावंसा और महावंसा। तो यही महावंसा में बात होता है कालसोका का, कि कालसोका नाम था। और काकावर्णा जो है वो पुराणा से मिलता है कि कोई रूलर एक ऐसा था जिसका नाम था काकावर्णा। इसके बाद इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसने कैपिटल पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल बना दिया। देखिए, कैपिटल बहुत पूछता है, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा। शिशुनाग जो है वो वैशाली में किया था, और जो ये जो है ना कलशोका, ये दोबारा पाटलिपुत्र को एक परमानेंट कैपिटल बना दिया, यानी कि अब उसके बाद जो भी आएगा ना रूलर ना, वो पाटलिपुत्र को ही एक बेस मान के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। दूसरा बात कि इसने 100 साल पूरा होने पे, जब बुद्धिस्ट भगवान के, बुद्ध भगवान के जो उनका जो था ना 100 साल पूरा होने पे, इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था कालसोका। तो ये एक लैंडमार्क चीज़ है, यहाँ याद रखिएगा। शिशुनाग वंश में, शिशुनाग वंश होने के बाद लास्ट में हमारा आता है कौन? नंद वंश। अब नंद वंश में क्या था? नंद वंश में महापद्म नंद, ये जो है ना सबसे बड़े थे रूलर नंद वंश का, और ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, यानी कि पूरे इंडियन इतिहास में, पूरे इंडियन इतिहास में जो एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो वो महापद्म नंद ने किया था। बहुत ही भयानक रूलर थे ये, और इनको हम कहते हैं अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय, यानी कि अपने आसपास छोटे बड़े जो भी रूलर्स थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जो वंश थे या और भी कुछ थे, सबको तहस नहस कर दिया इन्होंने। इसलिए इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, महापद्म नंद को। इन्होंने लगभग लगभग पूरा इस, ये जो है ना सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, इस पे हमारा मगध एम्पायर का पूरा वर्चस्व स्थापित किया था, और साउथ इंडिया छोड़कर ये बस रीजन रह गया था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो महानंद है ना, महापद्मनंद, वो एक्चुअली एम्पायर बिल्डर है। उन्होंने पहला एक ऐसा एम्पायर दिया
उसके बाद लेगेसी क्रिएट हो गया, जो मौर्य एम्पायर आया, पोस्ट मौर्य आएगा, गुप्ता आ जाएंगे, लेटर गुप्ता आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी में देखिए, इसमें कुछ नाम से इनको हम जानते हैं, वो है हमारा महापद्मनंद। महापद्मनंद का नाम तो पहला था एकारत, एकारत मतलब अकॉर्डिंग टू पुराणास, पुराणास में इनको एक टाइटल दिया गया है एकारत का। फिर इनका नाम है सर्वक छत्रक, इनका नाम है अप्रूटल ऑफ ऑल क्षत्रिय प्रिंसेज। एक और टर्म इनको बोलते हैं सर्वाक छत्रंक, इस टर्म का मतलब होता है कि इसने सारे क्षत्रियों को तहस नहस कर दिया, काट दिया था पूरा, क्लियर है। उसके बाद इनका एक और नाम है उग्रसेना, इनको महापद्मनंद को हम बोलते हैं उग्रसेना, क्यों, क्योंकि इनके पास विशाल यानी कि ह्यूज आर्मी था, भयानक कैवलरी था इनके पास, कैवलरी के साथ साथ इनके पास जो लोकल आर्मीज होते हैं ना, जो पैदल आर्मी होते हैं, पैदल आर्मी वो था, एलिफेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा था, तो मतलब इनके पास ह्यूज आर्मी था। उसके बाद ये तो हमें देख ही लिया, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे आते हैं रूलर, वो है धनानंद। अब धनानंद जो है ना, वो भी काफ़ी इनके पास ह्यूज आर्मी, लीगेसी मिल गया ना, फादर के पास था तो बेटा के पास तो रहेगा ही रहेगा उतना, और उन्होंने और उसको बड़ा कर दिया। तो धनानंद की आर्मी से जो उस समय अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहा था, तो धनानंद के समय याद रखिएगा कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो कौन सा डायनेस्टी था, एग्जाम में पूछता है, तो वो था नंद वंश, और रूलर कौन था, धनानंद। तो धनानंद की ह्यूज आर्मी को देख के ना एक बार कांप गया था वो अलेक्जेंडर, कांपना इन द सेंस कि वो थोड़ा सा भयभीत हो गया था कि कैसे आगे बढ़े। अब धनानंद जो है ना, ये भी कंटेम्प्रोरी था अलेक्जेंडर का, ये मतलब ये भी नहीं, ये ही कंटेम्प्रोरी था अलेक्जेंडर का, और इसको हम लोग कुछ नाम से भी जानते हैं, जो ग्रीक टेक्स्ट बुक में धनानंद के बारे में मेंशन है कि इसे हम कहते थे क्या, अग्रमीज या फिर जैंड्रिम्स, अग्रमीज या जैंड्रिम्स, इस नाम से हम जानते थे। तो ये हमारा हो गया पूरा उसके बारे में। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु के बारे में एक चीज़ और, कि जब लिच्छवी पे इसने अटैक किया था ना, लिच्छवी पे, तो लिच्छवी पे अटैक करने के लिए कुछ वेपन्स का इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने, वो दो वेपन्स था, पहला कौन था, एक तो था रथमूसल और दूसरा था महाशिलाकंटका। ये दो हथियार के बारे में हमें पता चलता है कि अजातशत्रु ने इस्तेमाल किया था। सोचिए उस समय जो बाहुबली में है ना, जब रथ चलता है तो रथ के दोनों पहिया में एक लगा दिए ब्लेड लगा दिए, जो घूमता है, जो जिसके आसपास कुछ भी काट देगा उसको, तो ये हमारा ये इन्होंने इस्तेमाल किया था रथमूसल और महाशिलाकंटका, क्लियर है। अब ये लिच्छवी और बाजी को जब अजातशत्रु जीत जाता है, तो इसके बारे में एक और टेक्स्ट बुक है हमारे पास जिसमें मेंशन है इसके बारे में, वो है हमारा आर्यभट्ट, ये अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ना, उसमें ये मेंशन है लिच्छवी और बाजी के बारे में, और उसको एक टर्म दिया गया है, वो है राजा शब्द पजीवी। टर्म याद रखिएगा, राजा शब्द पजीवी, नॉट पबजी, राजा शब्द पजीवी। लिच्छवी और वैशाली के बारे में अर्थशास्त्र में एक टर्म मेंशन है, वो है राजा शब्द पजीवी, याद रखिएगा। तो ये पूरा आपका हो गया मगध डायनेस्टी। आई थिंक इतने ब्रीफ में आपको इतना डिटेल में मैंने बताया है, ये मोर देन एनफ है। इसको आप बार बार देखिए, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में। अब इसके बाद लास्ट में आता है क्वेश्चन हमारा कि आखिर जो है ना, मगध इतना सक्सेसफुल क्यों रहा, मगध जो है वो इतना आगे पावरफुल क्यों निकला। तो इसके आखिर 16 महाजनपद थे ना हमारे पास, अब 16 में से मगध जो है सबसे आगे क्यों निकला, तो इसके दो कारण थे। देखिए, पहला कि जो हमारा जो मगध का जो रीजन था ना, ये फिर महाजनपद का 6th century से लेकर 4th century BC तक, इस दौरान आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती थी, कहाँ पे, हमारा गंगटिक प्लेन में या फिर इस रीजन में आयरन का बहुत ज़्यादा अबुंडेंस था। अबुंडेंस ऑफ आयरन वॉज देयर इन द रीजन ऑफ द गंगटिक प्लेन अंदर साउथ पार्ट ऑफ द बिहार, इस समय जो रीजन था। इस आयरन की मात्रा मौजूद होने के कारण इसमें क्या है कि आपको इफेक्टिव आयरन टूल्स बनाते थे ये मगध वाले, इफेक्टिव आयरन टूल्स, और उस आयरन का हथियार बनाने के कारण ये दूसरे महाजनपदास या और लोगों पे बहुत ज़्यादा हावी होते थे अपने वेपन्स के कारण। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा ये था कि इनका पहला कैपिटल कौन था, राजगीर, तो राजगीर में भी इनको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला, और दूसरा पाटलिपुत्र आए तो वहाँ भी इनको ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला। तो राजगीर में क्या मिला, राजगीर जो है ना वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी और विपुलांचल, ये सब है ना 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था आपको राजगृह, तो राजगृह को भी एक नेचुरल डिफेंस मिल गया। अब जब पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ तो वहाँ भी उसको मिल गया, वहाँ क्या हुआ कि गंगा इधर से आ रही है, गंडक इधर से आ रही है, सोन नदी इधर से आ रही है, और पुनपुन साउथ और ईस्ट से इधर आ रही है, तो एक नेचुरल डिफेंस हो गया इसका पानी से, पूरा का पूरा पानी से डिफेंस हो गया पाटलिपुत्र का। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ
कि एक तो इसकी मगध में जो भी आर्मी थी उनको किसी भी दिशा में जाना हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो नदी पकड़ के निकल जाते हैं। तो एक मोबिलिटी आर्मी का बहुत क्विक था, द मोबिलिटी ऑफ द आर्मी ऑफ द मगधा वॉज वेरी क्विक, इसलिए वो बहुत जल्दी अटैक करते थे किसी पे। दूसरा कि ये रीजन में हमेशा पानी रहता है, गंगा क्या है, पेरिनल रिवर है, यानी कि उसमें सालों भर पानी रहता है। तो अगर इरीगेशन ना भी हो तब भी यहाँ पे खेती की समस्या नहीं होती थी, फर्टाइल लैंड था, क्लियर है। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि अब चूंकि ये चारों तरफ से हमारा नदी से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को हम एक ट्रू वाटर फोर्ट भी कह सकते हैं, यानी कि जल दुर्गा, जल दुर्गा इसको बोलते हैं, वाटर फोर्ट, याद रखिएगा, ये हमारा रीजन हो गया। तो इस तरीके से मगध हमारा एक्सपैंड करके टॉप पे पहुंचता है और फिर धनानंद को जो है ना हरा देते हैं, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग कहते हैं कौटिल्य, और उसके बाद आता है मौर्य एम्पायर। तो ये मगध एम्पायर हो गया। फिनिश, कहीं कोई डाउट हो तो पूछेगा, वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हिम्मत बढ़ाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।